हाय एवरीवन, लाइव एनालिसिस पार्ट टू में आपका स्वागत है। चैनल को फटाफट से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर कर दीजिएगा क्लिक। तो करते हैं अभी पांच स्टॉक्स का ऑपरेशन। दोस्तों, लाइव एनालिसिस में बेनिफिट ये है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, राइट? और बहुत कम लोग लाइव एनालिसिस करते हैं फ्रेंड्स, ओके, यूट्यूब पर, राइट? जो करते हैं डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज फाइव स्टॉक्स में से पहले देखेंगे बात करते हैं इंडस्ट्री जिसमें क्या है देखेंगे, ओके। जस्ट डायल देखेंगे, मैरिको देखेंगे, उज्जीवन देखेंगे, एशियन पेंट देखेंगे, राइट? पांचों स्टॉक फंडामेंटली स्टॉक स्ट्रांग ही होंगे। पांचों क्या, दुनिया की कोई भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग ही होती है, राइट? पर दोस्तों, बात आती है सप्लाई और डिमांड की, ओके, जो हमें फिक्स करना है, ओके। तो शुरू करते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्री से। वैसे बहुत कुछ ड्रॉ किया हुआ है, ओके। सो यहाँ पे एक कहा जाता है, एक फेस है स्टॉक मार्केट में, हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ, राइट? जो पीछे हुआ है वही वापस होने वाला है, रिपीट ही होने वाला है, राइट? नया कुछ नहीं होता है, ओके। तो अभी जो हो रहा है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये बालकृष्ण इंडस्ट्री है, उसके लाइफ टाइम हाई पे तो नहीं है, लेकिन शायद 52 वीक हाई पे होगा ऐसा लग रहा है, ओके। वॉट एवर, देखते हैं, उसके साथ कोई लेना देना नहीं, राइट? कई लोग बढ़ते हुए स्टॉक को बेचते रहते हैं दोस्तों, कभी ऐसा गलती मत कीजिएगा, ट्रेंड के अपोजिट मत जाइएगा, राइट? तो यहाँ पे ये वाला जो ट्रेंड लाइन होता है, इट्स ओके, कभी स्टॉप लॉस भी होता है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे बाहर निकल चुका है, ये जो पूरी अपवर्ड चैनल है उसके बाहर, यानी नए अपट्रेंड की तरफ जा रहा है। स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम, और मैंने ऑलवेज आपको कहा है कि लॉस पर ट्रेड के हिसाब से फिक्स करें। तो आपका लॉस पर ट्रेड फिक्स है तो फिर डरने की क्या बात है, राइट? तो दोस्तों, बालकृष्ण इंडस्ट्री में ये वाली अपवर्ड जो चैनल है उसे ब्रेक करके और हमारी जो नीड है वो भी आज फुलफिल हुई है, राइट? तो बालकृष्ण इंडस्ट्री में हमने देखा है कि हाउ टू फाइंड अ न्यू अपट्रेंड, न्यू जोन, राइट? तो बालकृष्ण इंडस्ट्री में देखते हैं क्या क्या सीखे, न्यू अपट्रेंड जोन, राइट? सेकंड थिंग इज दैट रिएक्शन, रिएक्शन यानी उसने लिया है बाहर, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद रिएक्शन बहुत जरूरी दोस्तों, वरना हम ट्रैप हो सकते हैं। क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। अगर सिर्फ क्लोज आता है तो रिएक्शन आ गया है, अगर ये रेड कैंडल होती ही नहीं है, राइट, और आप एंट्री ले लेते हो तो एक बड़ा रेड कैंडल बन जाता है जिसमें हो जाते हो आप ट्रैप, ऐसा हो जाता है, राइट? इसीलिए एक रिएक्शन चाहिए। रिएक्शन यानी बाई की बात करूं तो ये इतना बढ़ने के बाद, ये इतना जो बढ़ा था, राइट, उसके बाद एक क्लोज डाउन चाहिए। तो क्लोज डाउन आ गया, वो भी ब्रेकआउट एरिया के बाहर ही क्लोज है, यानी बहुत पावरफुल है, राइट? तो इसको आपको वॉच करना है। और सब वन मोर थिंग, गैप अप के साथ ओपन होना है, यानी ब्रेकआउट विद गैप अप भी है, राइट, इवन रिएक्शन भी लिया है। तो इसको कल आपको वॉच करना है, अब 1285, राइट? ऑलवेज कैसे करना है फ्रेंड्स, मैं दिखा देता हूँ। ये अप ट्रेंड की बात है, ओके। तो हम क्या कहते हैं, टारगेट कभी फाइंड नहीं कर सकते, बट फिर भी आपको फाइंड करना है। कई लोग चाहते हैं कि उनको टारगेट मिले, तो ये आपके सपोर्ट, ये सब आपके रेजिस्टेंस है, उसे टारगेट की तरह ट्रीट कर सकते हो, राइट? वहाँ पे सेल नहीं करना है। ये जो आर लिखा है ना रेजिस्टेंस, वो हमारा एनिमी है। रेजिस्टेंस दिखने से क्या होता है, हम ऐसा सोचते हैं कि वहाँ पे मैं शॉर्ट करूँ, राइट? ये टारगेट होना चाहिए, बट इट्स ओके, अभी चलता आ रहा है, कुछ नहीं हो सकता है, राइट? तो इसका जो हाई है फ्रेंड्स, इट इज 1285 और स्टॉप लॉस ये है 1229.05, राइट? तो एंट्री क्या है अपनी, लिख देता हूँ 1285। अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, अप ट्रेंड कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। 1285 से अप ट्रेंड शुरू हो सकता है 1229.05, राइट? पॉइंट को भी इग्नोर ना करें, राइट? ये बनता है स्टॉप लॉस। अभी करना कुछ नहीं है, अगर ऊपर ही ओपन होता है तो कुछ काम करना नहीं है, बट यहाँ कहीं भी ओपन होने के बाद अगर जाता है ऊपर, तो मैंने ऑलवेज बताया आपको कि ये ऑलवेज एवरी डे स्टॉप लॉस रिवाइज करते जाइए, या फिर थोड़ा एडवांस जाना है तो वेट फॉर द रेड कैंडल, राइट? दोस्तों, तो आज हमने क्या क्या सीखा, ये सिर्फ एक ही स्टॉक से न्यू अप ट्रेंड, और अप ट्रेंड का जो ब्रेकआउट आना चाहिए वो आना चाहिए गैप के साथ, और उसके साथ वन मोर थिंग, रिएक्शन। अभी तो सब ऑफर का टाइम चल रहा है, तो इसमें भी बहुत सारी ऑफर मिली हमें, गैप भी मिला, रिएक्शन भी मिला, राइट? तो इसको शॉर्ट, कई लोग शॉर्ट का भी रिकमेंडेशन डालेंगे, राइट? लेकिन देखिए 52 वीक हाई या लाइफ टाइम हाई या जो भी बढ़ता हुआ स्टॉक है उसमें मैं मना करता हूँ जितना हो सकता है, ट्रेंड के अपोजिट नहीं जाना चाहिए, ओके? अभी बात करते हैं जस्ट डायल, सिर्फ डायल कीजिए, जस्ट डायल, तो कर दिया डायल। अभी ये स्टॉक में कई लोग बॉटम ढूंढने की ट्राई करते हैं, ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, ये तो चार्ट है, जिसको जो ढूंढना है ढूंढ सकते हैं, राइट?
अभी इसमें मुझे क्या दिख रहा है मैं बता देता हूँ। ये जो एक डाउनवर्ड चैनल है उसके बाद एक शैडो तो बना के आया है, तो ये लो के नीचे इसको वॉच करना है। अगर ये लो ब्रेक कर दिया तो ये नए डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, नई चैनल में जा सकता है। तो ये लो है 480.25 और स्टॉप लॉस है 497.55, ये नए डाउन ट्रेंड के लिए, राइट। अगर नीचे ही ओपन होता है तो अवॉइड करना है, राइट फ्रेंड्स। तो ये हो गया फटाफट जस्ट डायल। ओके, तो जस्ट डायल में भी न्यू डाउन ट्रेंड देखा है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों। उसमें रिएक्शन नहीं आ जाए तो और अच्छा है, जो अभी फिलहाल इसमें है बालकृष्ण इंडस्ट्री। मैदी को दोस्तों, मैदी को देख लेते हैं फ्रेंड्स। मैदी को मैं जो चीज़ काम की नहीं है उसे कर देता हूँ हाइड। इसमें मुझे एक्चुअली, हमने यहाँ से तो आपको यूट्यूब पर रखा ही था सेल, राइट। सॉरी फ्रेंड्स, ये वाली जो लाइन है राइट, ये फॉलिंग चैनल चल रही थी उसके बाहर निकल गया, क्लोज दिया, रिएक्शन, रिएक्शन में वापस बड़े अंदर आ गया, राइट। अभी सेल में रिएक्शन की डेफिनेशन दोस्तों चेंज हो जाती है, यानी इतना गिरना राइट, फिर ऊपर क्लोज देना प्रीवियस कैंडल से 5-10 पैसे, मिनिमम 5 5 पैसा चाहिए, मैक्सिमम चलेगा, राइट। तो ये लो के नीचे आपको वॉच करना है। व्हाट द लेवल, लेवल इज 292.15301, फिर भी स्टॉप उसके नीचे जाता है तो ही डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। अगर नीचे ही ओपन होता है तो आपको पता ही है दोस्तों, मैं हर बार कहता हूँ अवॉइड करना है, राइट। तो ये हो गया फटाफट से, मैरिको का भी मैंने बता दिया आपको, राइट। अभी देखते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, देखते हो ठीक है, कुछ काम का है नहीं। उज्जीवन में यहां से एक ये चैनल था राइट, वो ब्रेक किया, ये दिन क्लोज दिया, रिएक्शन दिया, आज ये लो टूटा है, राइट। लो टूट के वैसे तो कई लोग हैमर भी कहेंगे, ओके, बट मेरे हिसाब से ये लो के नीचे इसको वॉच करना है। हाई के ऊपर हैमर के हिसाब से खरीद भी सकता है, ओके, बट हम मेरा अभी फिलहाल मुझे जो लग रहा है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि इनसाइड बार जो था, इनसाइड बार ये वाला राइट, वो भी ब्रेक किया है ये कैंडल में। अगर हेमर से किसी को लेना है तो ले सकते हैं, बट हेमर में पूरा डेफिनेशन आ रहा है, वो 25% वाला है जो आपने वीडियो रखा है, आप देख लीजिएगा एक बार दोस्तों, राइट। और उसमें बॉलिंगर बैन पे कॉम्बिनेशन चाहिए, तो वो मैं सजेशन में डाल दूंगा वीडियो, राइट, आई बटन में, तो आप देख लीजिएगा, राइट। तो उसके हमारे हिसाब से इनसाइड बाय ब्रेक किया है, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया है, तो ये लो के नीचे वॉच कीजिएगा 374.95 या 388.85। उसका डाउन ट्रेंड अगर शुरू होता है तो उसका स्टॉप लॉस बनता है। लास्ट वन जो सबसे फंडामेंटल स्ट्रांग है, ओके, राइट। फंडामेंटली ज़्यादातर दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, लाइफ टाइम आई पे ऑलवेज फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं, लाइफ टाइम लो पे फंडामेंटल वीक हो जाते हैं, और हमें मौका भी नहीं मिलता है स्टॉक से निकलने के, राइट। तो एशियन पेंट में यहाँ पे एक इनसाइड बार था जो ब्रेक हुआ है, राइट, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, ओके। तो ये लो के नीचे आपको वॉच करना है 1861 और 1879.90 इसका बनता है ऐसे, राइट दोस्तों। अभी एक सिंपल चीज है, कुछ नहीं करना है, ये सब मैंने जो आपको एग्जांपल दिए उससे आप खुद ढूंढिए। जैसे बालकृष्ण में जो बना वो क्या, और कोई स्टॉक में है तो मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल के तौर पर। वन मोर देखिए, मुथूट फाइनेंस, राइट। इसको कभी भी आप शॉर्ट करने मत जाइए, ठीक है पैसा मिल भी सकता है लेकिन रिस्की है दोस्तों, जीरो रिकवर भी इतना फास्ट होता है, राइट। देखिए है ना, ये कॉपी किसकी कॉपी है, तो देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्री की, राइट। इसमें भी यही हुआ था, गैप अप फिर क्लोज फिर रिएक्शन, सेम चीज है। तो इसको भी आप 898.85 84.6 ये नया अपट्रेंड में एंटर हो चुका है, राइट। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से ये आपको हम सिखाने का पर्पस है, राइट, इट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो जो जो चीज हमने ये 5 स्टॉक्स में दिखाई वो आप दूसरे स्टॉक्स में ढूंढिए, राइट। जितना बने उतना कॉम्बिनेशन बनाइए, गैप रिएक्शन, राइट, जितनी जितनी स्टडी आपको सिखाई है वो सब आप एक बार देख लीजिएगा, राइट दोस्तों। तो आज से इतना ही, फिर मिलेंगे नए पार्ट 3 में, राइट। तो हम चाहते हैं ये पार्ट हर रोज बने, राइट। तो लाइव एनालिसिस पार्ट 1 कल रखा था, लाइव एनालिसिस पार्ट 2 आपके लिए हाजिर है, राइट। और आपने देख ली, आपको पसंद भी आया, और फिर अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर भी करें, लोगों को बताइए, ओके। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।